बग्गा साहब क्या बनना चाहते हैं कि नहीं, बग्गा साहब किसे सेंटा बनाना चाहते हैं सर बताएं। अच्छा बग्गा साहब से शायद कनेक्शन हमारा थोड़ा सा वीक है, एक बार जरा सिमी जी से जान लेते हैं। सिमी जी बची हैं, कुणाल जी बचे हैं, तो सिमी जी को पूछते। सिमी जी से बताइए आप किसे बनाएंगी? अनिल जी, मेरा मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा दो दो संता बनेगा, मैं तो दो दो संता बनाऊंगी। अब संता संता नहीं है, संता तो बंसल जी बोलते हैं। दो 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 बनाएंगे। हाँ सेंटा ना, सेंटा सेंटा। हाँ बताइए पहला कौन? देखिए पहले पहला सेंटा जो बनेगा वो होगा हमारे राकेश जी का फेवरेट विजय मरिया साहब। राकेश जी का फेवरेट है वो? राकेश जी नहीं बनेंगे, राकेश जी का फेवरेट है। अच्छा अब राकेश जी के फेवरेट क्यों है विजय मलिया जी की, तो आप सभी को मालूम है। ये मैं इसके बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, तो राकेश जी का जो फेवरेट है विजय मलिया साहब, तो उनको मैं बनाऊंगी पहला सेंटा। और मेरा एक्चुअली कोशिश ये रहेगा कि विजय मलिया साहब जो भी मतलब बैंक से लोन लेके भाग गए इधर से, तो उनको वापस बुला के उनसे लोन का रिपेमेंट कराऊंगी। मतलब ये लोन रिपेमेंट हो जाएगा तो बैंक में पैसा आ जाएगा, तो हम लोगों का जो भी दिक्कत है बैंकिंग सेक्टर लेके तो कुछ हद तक तो मिट जाएगा। तो पहला सेंटर तो विजय मालिया को ही बनाऊंगी। अब देखिए अब ये अब सैंक्शन करेंगे तो दूसरा सेंटर भी बताती हूँ। नहीं नहीं, आपने बंसल जी का नाम ले लिया, बंसल जी की वजह से आप बनाएंगी, तो हमारे तो दूसरी वजह चाहिए ही नहीं। बैंकों का पैसा आए नहीं आए, बंसल जी को पसंद है। और विजय मालिया का नाम ऐसे कैसे आ गया हमारे पैनल में? उसका नाम लेते हुए मैंने बंसल जी का नाम लिया। बंसल जी को मेरा मतलब वो उनके लिए मेरा नहीं है, मतलब उनको सेंटर नहीं बनाना है, वो तो ऐसे ही सेंटर है। ओके, उनको सेंटर बनाने का नहीं है। ठीक है, और दूसरा बताइए सिमी जी, दूसरा कौन? दूसरा सेंटर बनाना होगा इन्हीं के साथ साथ नीरव मोदी जी को, विजय माला जी के साथ 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 नीरव मोदी जी को भी मुझे सेंटर बनाना है। आप पूछिए क्यों? क्यों? देखिए आप हम लोगों को तो मालूम है नीरव मोदी जी के कारण ही पीएनबी का ऐसा हाल हुआ। अब पीएनबी का ऐसा हाल हो गया कि जिसके लिए हमारे जो कविराज है सुमित जी अब आज नहीं दिख रहा है। अच्छा सुमित जी जो है जो पीएनबी को उस रेंज पर रेकमेंड कर पाए, क्योंकि सुमित जी का नजर में तो 50 रुपया से पहले कोई स्टॉक आता ही नहीं था, और उनके लिए पीएनबी का हाल ऐसा हुआ था, नीचे आ गया था, वो भर भर के रिकमेंड किए और पीएसयू बैंक कहां से कहां चढ़ गया। तो मतलब सब कुछ मिला के नीरव मोदी जी का तो थैंक यू, शुक्रिया तो सुमित जी को ही करना है। तो पहले सुमित जी को शुक्रिया कहना पड़ेगा। ओके okay. और फिर नीरव मोदी जी को सुमित जी के शुक्रिया सुनने के बाद इंडिया में बुलाएंगे और उनसे पीएनबी का लोन का भरपाई कराएंगे, मतलब उनको लोन चुकाना पड़ेगा। अब दोनों सेंटर हो जाएगा इंडिया में लौट के। ओके okay. मेरा तो कोशिश देखिए सिंपल है, ना राकेश जी को बनाना है ना सुमित जी को बनाना है। मैं तो बैंक में लोन लेके आना चाहती हूँ कि लोन अगर बैंक में पूरा रिपेमेंट हो जाएगा तो हमारा बैंकिंग सेक्टर का जो दिक्कत है वो मतलब मिट जाएगा। और बैंकिंग सेक्टर का अगर दिक्कत मिट जाएगा तो बैंक निफ्टी यहाँ से सीधा 50,000। अब हम सब लोग सपोर्ट जरूर करेंगे, सबसे ज्यादा सपोर्ट तो आपसे चाहिए, क्योंकि आप सुबह सुबह जो कर देते हैं ना एकदम मतलब 8 बजे से शुरू हो जाते हैं आज का ट्रेड, मतलब आज के जो आप बाइट देते हैं, तो उस समय आपका सपोर्ट चाहिए। और सबसे आपसे भी बड़ा सपोर्ट हम लोगों को चाहिए भसीन सर का सपोर्ट। अगर भसीन जी ने सपोर्ट थोड़ा सा दे दिया तो बैंक निफ्टी सीधा 50,000, वो भी बजट से पहले। आप बाकी सब लोग जाओ, बस यही। हाँ मैं सिमी जी के साथ ही आज आधा घंटे का शो करूंगा मस्ती की पाठशाला। कुणाल जी ये आइडिया कैसा मेरा, एक खाली मस्ती की पाठशाला आप सबको उठा के सिमी जी के साथ ही किया जाए? अनिल जी बहुत अच्छा विचार है, अनिल जी बहुत ही शानदार विचार है, और अनिल जी मजा भी आएगा देखने में। हाँ। अनिल जी आधे घंटे बाद आपका क्या हाल होगा ये अनिल जी विशेष रूप से देखा जाएगा। अनिल जी आइडिया कैंसिल। ओके, लेकिन सिमी जी बहुत सारा पैसा देश का लाना चाहती है और बैंकों का रिपेमेंट निफ्टी को 50, बैंक निफ्टी को 50,000 ले जाना चाहती है। सिमी जी सब कुछ आप ही कर लेंगी, कुछ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भी तो छोड़िए, उनको भी तो कुछ करने दीजिए। पैनल पे तो आप सब कुछ कर ही रही हैं, बाकी लोगों के लिए कुछ छोड़ा नहीं है, लेकिन उनके लिए छोड़े। अच्छा बाय द वे, जो आप कहते हैं कि बंसल जी के फेवरेट मालिया जी है ना, ये जो सारा है ना हाल जो हुआ ना, ये बंसल जी जैसे अच्छे अच्छे दोस्त रख के उनको डिस्काउंट पे या मुफ्त में बहुत कुछ प्रोडक्ट्स दिए गए, उस वजह से ये बैंक के डिफॉल्ट हुए, बाकी तो होते नहीं, बाकी तो इतना बुरा हाल नहीं होता।
लेकिन चलिए आइडिया आपका अच्छा है, कम से कम देश हित में कि बैंकिंग सेक्टर में पैसा वापस आ जाए तो